निकाल दी थी इन्होंने, और मेरे प्राइवेट पार्ट पे इन्होंने जैसे रोड घुसाने की कोशिश की। नमस्कार, आप सभी को मैं पुष्पा शर्मा और आप देख रहे हैं संसार क्रांति। दोस्तों, एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। हमारे पास एक महिला का फोन आता है, एक महिला के साथ यहाँ पर खेवड़ा गांव में इस वक्त मौजूद है। 10-12 लड़कों ने हमला किया और महिला को पूरी तरीके से घायल कर दिया। आप ये देख सकते हैं सामने घर। मैं कैमरामैन से कहूँगी आपको घर दिखाया जाए कि वो मकान है जहाँ पर हमलावर रहते हैं। और इधर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये वो घर है जहाँ पर वो महिला सीमा रहती है। तो चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं, बात करते हैं क्या कुछ मामला है, क्या कुछ मैटर है। अपील रहेगी हमारे साथ बने रहे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करते रहे ताकि सीमा जी को न्याय मिल सके। कैमरामैन से कहूंगी थोड़ा सा दूर होके आपको पूरा का पूरा जो सीन है वो दिखाया जाए। आप देख सकते हैं कि सामने बेड पर सीमा जी लेटी हुई है, और ये देखिए यहाँ पे जिस टाइम पे हमला किया गया, ये खून जो है दीवारों पर लगा हुआ आप देख सकते हैं। खून किस तरीके से दीवारों पर देखिए, चारों तरफ खून के धब्बे लगे हुए हैं। ये देखिए आप, जहां भी देखेंगे आपको खून ही खून नजर आएगा। तो चलिए सीमा बात करते हैं क्या कुछ मामला है। सबसे पहले हम इनके भाई से बात करेंगे। हाँ नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार मैडम। हाँ सर, क्या कुछ मामला है, ये क्या कुछ हुआ था? मैडम बात तो ये हुई थी कि बात तो ये हुई थी कि हमारे जो भैया है वो ऑटो चलाते हैं, और इनकी गाड़ी खड़ी थी जिनके साथ झगड़ा हुआ है। तो भैया ऑटो लिया है, वो बोला भाई मैं भी खड़ा करूँगा। वे बोले हमारी गाड़ी खड़ी, हम नहीं खड़ा होने देंगे। ठीक है, चलो भाई कोई बात नहीं, हमने आगे पीछे करके खड़ी कर दी। ठीक है, उससे 1.5-2 घंटा बाद हमारी बहन है जो ये आशा वर्कर है, सरकारी आशा वर्कर है, ये अपनी ड्यूटी से आ रही थी, इसको देख के गाली वाली देने लगे। कोई बात नहीं, गाली दे दी, कोई बात नहीं। तो आगे बोली भैया ये गाली दे रहे, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, दे दी तो कोई बात नहीं है, होती जाती रहती है, छोटी मोटी बात है। तो इसके लड़के ने, छोटे ने, जो जिम में जाता है, जिम से बंदे बुला के, और हमारा कोई बंदा नहीं था घर पे, एक मेरा भांजा था और मेरी दीदी थी, इनको बुरी तरह से पीटा है। ये मान लो कम से कम करें नहीं तो 12 से 14 बंदे थे अपनी तरफ से। वे ये बोल के गए हैं कि अब ये मर गई है, अब चलो। आप देख सकते हैं कि किस तरह की गुंडागर्दी खेवड़ा गांव में सरेआम की गई है। 31 मई की घटना ये बता रहे हैं। कहना इनका इतना है कि इनका ऑटो खड़ा करने को लेके झगड़ा था, और बिजली वालों ने सामने वाले पड़ोसियों के घर पे छापा मारा, बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए। तो उनका कहना था कि इन्होंने शिकायत की है, इन्होंने छापा जो है बिजली का वो मरवाया है। छोटी सी बात को लेके 10-15 बंदे जो यहाँ पे घुसते हैं घर में, और महिला, ये जो महिला आप देख रहे हैं सामने सीमा, और ये मेरे साथ में इनका बेटा खड़ा है, आप देख सकते हैं दोनों घर पे अकेले थे, इन पर हमला किया गया, और इस महिला को ये मानकर वो छोड़ के गए कि अब तो ये मर चुकी है। आप देख सकते हैं ये इनके भाई मेरे पास मौजूद हैं। आप मैम, ये उनकी मौसी है मेरे पास, ये इनका बेटा है, ये बड़े ताऊ जी हैं इनके, पूरी फैमिली जो है इनकी यहाँ पर मौजूद है। वो वीडियो दिखाएंगे सर आप जिसमें चोट वगैरह लगी, एक बार दिखाएं जरा। अपील रहेगी हमारे साथ बने रहे और वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहे, क्योंकि पुलिस द्वारा भी कोई भी कार्रवाई जो यहाँ पर नहीं की गई है, इस महिला को इंसाफ मिले। आप देख सकते हैं कि इस महिला की क्या हालत है, आपको वीडियो दिखाएं किस तरीके सिर में चोट लगी हुई है महिला के, किस तरीके से पेट में प्राइवेट पार्ट पर इस महिला के मारा गया है, और बुरी तरीके से इस महिला को जख्मी किया गया है। बहुत ही शर्म की बात है हमारे लिए, ये देख सकते हैं आप
किस तरीके से महिला के हाथ पैर तोड़ रखे हैं, हॉस्पिटल में महिला एडमिट है। कैमरा मैन से कहूंगी बिल्कुल क्लियर ली जाए फोटो। और एक वीडियो हो रहा है मैडम, ये वीडियो आप देख सकते हैं। एक और वीडियो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ हमारी सरकार एक तरफ दावा करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप देख सकते हैं कि हमारी बेटियाँ कितना सुरक्षित हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे देखिए तेज तेज धार वाले हथियार से घाव किया गया, कितनी पूरी तरीके से आप देख सकते हैं प्राइवेट पार्ट को भी महिला के जख्मी किया गया। बहुत ही शर्म की बात है, सिर में भी इस महिला के बुरी तरीके से चोट लगी हुई है, वो हम आपको वीडियो के माध्यम से अभी दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी पूरी तरीके से हमला किया गया है, महिला के सिर को किस तरीके से जख्मी किया गया है। सोनीपत हॉस्पिटल में ये लेके गए थे, यहाँ पे जवाब दे दिया गया, फिर महिला को रोहतक में एडमिट करवाया गया। महिला हमारे पास मौजूद है, उनसे बात करेंगे, पूछेंगे पूरा मामला क्या है। बने रहे हमारे साथ और वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करते रहे। नमस्कार मैम। मैम क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ कहानी थी, किस तरीके से हमला किया गया, कौन कौन थे? मैम 31/5/2005 को मैं केस लेके गई थी जी, सरकारी हॉस्पिटल में ऑपरेशन केस था। शाम को जब मैं 6 बजे से आई जी, जब ये अरुण और इसका पापा बैठे थे जी, और ये गाली गलौच करने लगे, ये गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। फिर मैंने भी जी इनकी एक दो को गंदी गंदी गालियां वापस कह दी इनको। फिर ये मारम पीटम थोड़ी बहुत मारम पीटम हो गए जी। फिर इनके सामने वाले जो चाचा हैं उन्होंने हमारे को छटवा दिया, और फिर इन्होंने तरुण आया जी जिम से, उसने बच्चे बुला लिए, फिर जिम वाले बच्चे और अपने इसका एक चाचा कॉलोनी में रहता, उसके दो लड़के और वो चाचा और कॉलोनी के दो तीन बच्चे और थे जी, वे झाड़ फूक का काम करते हैं मैडम, ये चौकी वगैरह लगाते हैं, वो भी बुला लिए। और फिर मैं और मेरा बेटा घर पे ही थे मैडम, हमने देखा कि कोई बहुत सारे आदमी आ रहे हैं, हमने बाग के दरवाजा बंद करा ना, बाग के दरवाजा बंद करा, दरवाजा जल्दी जल्दी में बंद नहीं हुआ। फिर हम दकाए रहे मैं और मेरा बेटा, फिर उन्होंने जबरदस्ती सब ने दरवाजे में से कोई कुछ दे रहा था, कोई कुछ दे रहा था, और फिर वे हमारे से दरवाजा खुल गया जी, उन्होंने धक्का धुकू के खोल लिया। और फिर पहले तो मेरे बेटे को एक दो मारा, फिर मेरा बेटा मैडम निकल के भाग गया अपनी जान बचा के, और फिर मैं अकेली पकड़ ली जी इन्हें अंदर, और फिर मेरे साथ थे मारा पीटी करी और मेरे साथ थे छेड़खानी करी, सारी बर्बरता की सारी हदें पार कर दी मैडम। कपड़े वगैरह भी निकालने की कोशिश की गई? हाँ मैडम, मेरी सलवार निकाल दी थी इन्होंने और मेरे प्राइवेट पार्ट पे इन्होंने जैसे रोड घुसाने की कोशिश की, तो मैं हिलने लगी तो साइड में से निकल गई मैडम, और फिर मेरे को और नीचे बहुत सारे मारे जी। आप देख सकते हैं कि छोटी सी घटना, छोटी सी लड़ाई झगड़े की कहानी कितना बड़ा रूप ले लेती है। मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला क्या था, तार लगाने को लेके मामला था, बिजली का छापा इनके घर पे पड़ा था। इन्होंने सोचा कि इन महिला ने पहले भी इनका एक दो बार झगड़ा हुआ है, जैसे भाई पड़ोसी हैं छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है। फिर उस झगड़े जो इन्होंने बोला इसको गालियाँ, महिला जो हॉस्पिटल में आशा वर्कर का काम करती हैं, सीमा जांगड़ा जी हैं ये हमारे साथ खेवड़ा गाँव से, ये हॉस्पिटल से आई तो गाली गलौज जो है इनके साथ करने लगे, ये अंदर आ गई। उसके बाद इनका लड़का जो पड़ोसी है जिम जाता है लड़का, वहाँ से 15 लड़के लेके आता है और ये इधर से अंदर दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा वो 15 थे, ये दोनों मम्मी बेटा यहाँ पर मौजूद थे। वीडियो आपको दिखाएंगे वो किस तरीके से घर में घुसे हैं। पहले मैं पूरी जानकारी आपको दे दूँ, दरवाज़ा ये बंद नहीं कर पाए, वो 15 बंदे अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुस के उन्होंने इंसानियत को किस तरीके से शर्मसार किया है आप देख सकते हैं, वीडियो के द्वारा आपको दिखाया जाएगा। ये देखिए किस तरीके से वो अंदर घुस रहे हैं, कैसे हाथापाई इनकी आपस में हो रही है, वीडियो में आप देख सकते हैं।
रौनक, ये बाद में मंगवा लेंगे सर, बाद में मंगवा लेंगे सर उसमें। हाँ जी हाँ जी, तो आप देख सकते हैं कि वीडियो में हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से वो अंदर घुसते हैं। इंसानियत की सारी हदें उन्होंने पार कर दी। बेटा जो था, बेटा डर के भाग गया, अपनी जान बचाने के लिए बेटे के सिर पे भी वार किया गया। फोटो में आप देख सकते हैं किस तरीके से लड़के के सिर पे पट्टी बंधी हुई है। इसकी माँ को यहाँ पर अंदर अकेला पकड़ लिया जाता है, इनकी सलवार जो है यहाँ पर निकाल दी जाती है और प्राइवेट पार्ट में रोड घुसाने का प्रयास यहाँ पर उनके द्वारा किया जाता है। लेकिन महिला हिलती जुलती है तो रोड उसके साइड में से निकल जाती है। एक महीना हो चुका है, पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई जो है यहाँ पर नहीं की गई है। सिर्फ आश्वासन ही पुलिस को यहाँ पर पुलिस के प्रशासन के द्वारा बार बार दिया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? क्या पुलिस प्रशासन किसी हादसा होने का इंतजार कर रहा है क्या? वो जब वो इस महिला को उस हालत में छोड़ के गए थे, उनका कहना था कि ये महिला मर चुकी है। एक महिला भी यहाँ पर मौजूद थी। क्या नाम है आंटी जी आपका? क्या नाम है आपका? मेरा कृष्णा। क्या लगते हैं आप सीमा के? मैं इसकी ताई लागू। आप भी यहाँ पर थे उस टाइम पे? उस टाइम पर मैं बाहर खड़ी थी बेटी, मेरे पर एक्सीडेंट और बीच मारना पड़ा था। वो कट्ठे होकर बड़े ना जो मारे थी गाड़ो में खड़ी थी। आपके साथ भी कोई मिसबिहेव किया है? मेरी गेटी पकड़ी जो मैंने न्यू कही थी, मैं कह पाँच सात तो तुमने बोला लिए, अरे बिन का बुलाउनी आता दस पंद्रह ये बोला ले। पड़ोसी हाँ पड़ोसी ऐसा तो मैं खाइए आपस में हो रहा ना फुड़वा का मरो तो मैं आप मरो ना जब मेरी बाज का गेटी। आप ये फोटो देख सकते हैं किस तरीके से, देखो ये भेज भेज के इनको धमकियां दी जा रही है। फोटो आप देख सकते हैं कि गोली मार देंगे, इस तरह के फोटो इनके पास सेंड किए जा रहे हैं लगातार। आप देख सकते हैं खेवड़ा गाँव का ये मामला है। मैं भी मला बोल रही हूँ कि चाची देखो जी, मारी बेटी को न्याय नहीं मिला। यह कानून किस लिए बनाई है कि ऐसी हरकत होती रही तो जनानिया क्या होगा? लेडीज तो दुखी है, और वैसे इनका बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो क्या बचाओ है? कुछ भी बचाओ नहीं जी। चाहे मार, ये तो मार के घेर दी थी, वो तो अपनी जान में मार के घेर गए थे, या तो इसकी जिंदगी थी जो सांस थे। सुनपत लेकर गए जी, उन्होंने भी ऐसी रिपोर्ट नहीं बनाई जी सी अग भी इसका कोई कार्रवाई हो जा। आधी रिपोर्ट बनाई थी जी, फिर रोज तक जाकर मेडिकल में उसको पूरी रिपोर्ट दी, हमने वह भी जमा कर दी, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। हम कार्रवाई चाहते हैं, जो हमारी बेटी के साथ होया है हम अन्याय चाहिए, हमने न्याय चाहिए। आप दिलाओ जी या कुछ भी करो, पर हमें को न्याय मिलना चाहिए। परिवार द्वारा बार बार न्याय की अपील जो यहाँ पर की जा रही है। सारी वीडियो आपको जो भी सबूत हैं, जो प्रूफ है, वो आपको वीडियो में दिखाए गए हैं। चाहूंगी जो इंसानियत की हदें यहाँ पर पार की गई है इस महिला को, आप देख सकते हैं कि एक महीने से महिला जो है पैड पर पड़ी हुई है। ये इनके बेटे की फोटो आप देख सकते हैं, और बार बार इस उम्मीद में है ये महिला कि इनको इंसाफ दिलाया जाए। इंसाफ की उम्मीद में ये महिला आज बिस्तर पर पड़ी है, जिसका अंदर से, जिनका मन अंदर से छलनी हुआ है, जिसकी आत्मा अंदर से छलनी हुई है, जिसका शरीर उन गुंडों द्वारा छलनी किया गया है। आज इस महिला को उम्मीद है सिर्फ न्याय की। क्या इसको न्याय मिल पाएगा? बार बार इस महिला की आंखें पूछती हैं कि इसको न्याय कब मिलेगा। आप देख सकते हैं कि इतना मतलब मामला सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। मैं वीडियो बना रही हूं, लेकिन मैं खुद अंदर से मतलब अंदर से मुझे भी मतलब एक अजीब सा डर, एक अजीब सी कंपन मुझे खुद महसूस हो रही है कि इस महिला के साथ उस टाइम पे क्या हुआ होगा। आप किस चीज़ की मांग करते हैं मैम पुलिस प्रशासन से? आपने हमें यहाँ पे बुलाया है, क्या चाहते हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? मैम हम न्याय की मांग करते हैं, और जो मेरे साथ है, जो मेरे साथ दुष्कर्म हुआ है उसकी धारा पुलिस नहीं लगा रही है, उसका वेट कर रही है कि दोबारा से होगा तब लगाएंगे। मैंने बार बार पुलिस को बोला कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ, मेरे साथ दुष्कर्म हुआ, उसकी धारा लगा दो, नहीं लगा रही। हम पुलिस प्रशासन से, बड़े अधिकारियों से अपने न्याय के लिए हाथ जोड़कर भीख मांग रहे हैं कि हमें न्याय की भीख दे दो। आप देख सकते हैं कि महिला बार बार हाथ जोड़ के कह रही है कि मैं न्याय के लिए भीख मांग रही हूँ। बड़े ही शर्म की बात है एक महिला के साथ, भारत में, हमारे भारत देश में जहाँ पर महिलाओं का इतना सम्मान किया जाता है, एक महिला के साथ कैसा अमानवीय व्यवहार जो यहाँ पर हुआ है, और पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई भी कार्यवाही जो यहाँ पर नहीं की गई है। अपने चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगी कि तुरंत इस पर मामला संज्ञान में लेकर कार्रवाई की जाए, दोषियों को जिसकी निष्पक्ष जाँच पड़ताल होनी
चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। देखिए लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, लेकिन इस तरीके से किसी को मारने के इरादे से हमला करना ये कहां तक उचित है? आप भी कमेंट करके बताएं क्या ये अपराधियों के द्वारा यहां पर सही किया गया है, और पुलिस प्रशासन के द्वारा एक महीना हो गया अभी तक एक ही बात बोली जा रही है कि वो फरार है। तो मैं पुष्पा शर्मा, संसार क्रांति, सोनीपत के साथ।